जाति के आधार पर जनगणना होगी, किस जाति की कितनी आबादी है ये आंकड़े जल्द ही सामने होंगे। साथ ही भविष्य में तमाम बड़ी योजनाएं इसी सर्वे के आधार पर तय की जाएंगी। हिमाचल में सर्वेक्षण का कदम कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के कहने पर उठाया जा रहा है। खास बात यह है कि आर्थिक बदहाली झेल रहे प्रदेश में सरकार दूसरे चरण में आर्थिक सर्वेक्षण भी करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पिछड़े और गरीब तबके तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने को इस सर्वेक्षण का आधार बताया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बाकायदा इस बारे में प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्ताव में कांग्रेस ने अन्य तीन राज्यों के साथ ही हिमाचल में भी जनगणना को जातिगत मोड़ देने का फैसला किया है। दरअसल देश में कांग्रेस की सरकार चार राज्यों में है और इन सभी में भविष्य में एक साथ पहले जातिगत और उसके बाद आर्थिक आधार पर गणना होगी। हिमाचल के अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकारें हैं और वहां भी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जातिगत सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है। हालांकि राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जातिगत सर्वे को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ। इसके साथ ही कांग्रेस देश की दूसरी ऐसी पार्टी भी बन गई जो जातिगत आधार पर जनसंख्या की जनगणना करने जा रही है। इससे पूर्व हाल ही में बिहार सरकार ने जातिगत सर्वेक्षण किया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस सर्वेक्षण के बाद सामने आए आंकड़ों को भी सार्वजनिक कर दिया है। खास बात यह है कि कांग्रेस ने इस सर्वे में आर्थिक आधार को भी जोड़ा है। पार्टी के इस फैसले को लोकसभा चुनाव से पहले बड़े दांव के रूप में देखा जा रहा है। वहीं बीजेपी की तरफ से जातीय जनगणना का लगातार विरोध किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पहले ही कह चुके हैं कि जातीय जनगणना देश को बांटने का फैसला है। हिमाचल में पता है सबको कि कितनी कास्ट है और उस कास्ट का आधार आप सबको पता है। जब कास्ट सेंसस पूरे देश में करवाने की बात CWC ने कही है और जैसे वो ठीक बात है, जिसकी जितनी कास्ट होती है उसको पता चले। हमारी सिंपल सी बात है, हम सब ने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के भविष्य के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है। एक कास्ट सेंसस के बाद एक नया डेवलपमेंट का पैराडाइम खुलेगा और हमने निर्णय ले लिया कि हम ये काम करेंगे। तो ये मैं आपको आज बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा करके ही छोड़ेगी। और याद रखिए, जब हम वायदा करते हैं हम उस वायदे को तोड़ते नहीं हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विवेक वर्मा बीजेपी की तरफ से और सुशांत कांग्रेस की तरफ से, साथ ही उज्ज्वल शर्मा जो हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। सुशांत जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने हिमाचल में बड़ा दांव खेलने का ऐलान किया है। जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण की बात जो है सरकार कर रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव भी पास हुआ है। क्या लगता है आपको कि चुनाव में आपको इससे जो फायदा मिलने वाला है वो मिलेगा हिमाचल में, हिमाचल जैसे राज्य में? सुशांत जी अनम्यूट कर लीजिए आपकी आवाज। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा है कि जो कास्ट बेस्ड सेंसस है या जिसको हम जाति आधार पे सेंसस की बात कर रहे हैं और CWC ने उसको पारित किया है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में ये सर्वे कराया जाएगा, ये सेंसस का ग्राफ होना चाहिए। आप इसके पीछे एक मूल मंत्र ना समझिए कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने कहा जितनी आबादी उतना हक, ये जो क्रक्स है ये समझना आवश्यक है। क्योंकि जिस इसमें आप एक चीज समझिए कि जो ये जनगणना की बात हम लोग कर रहे हैं उसमें आप जो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो आपका फाइनेंशियली वीकर सेक्शन है, उसको आप प्योर तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन जो समझ से परे बात है कि किस प्रकार से भाजपा इस सेंसस से विचलित है वो सोचने की बात है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सेंसस, कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है वो हमारी जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है वो आती है, लेकिन अगर हम उसको सेंसस में लेकर आते हैं तो वो एक चीज है कि किस प्रकार से हम इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन है हमारे देश का उसको हम उसको आइडेंटिफाई कर सके और उनकी गरीबी उन्मूलन के लिए हम सही कारगर कदम उठा सके। इसको राजनीति के साथ ना देखकर एक बड़े स्टेप की तरह देखा जाना चाहिए कि किस प्रकार से हम
पूरे देश भर में जो ओबीसीज है या जो बाकी लोग रह गए हैं जो फाइनेंशियली वीकर ग्रुप्स है उनको किस तरीके से हम इसमें सम्मिलित कर सके। जी ठीक है विवेक जी, विक्रम जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी कह रही है कि जातीय जनगणना जो है वो बांटने वाली है देश को भी और प्रदेश को भी। शत प्रतिशत तुष्टिकरण की नीति को फिर से बढ़ावा दे रहे हैं, क्या कारण है? कोई कारण ही नहीं है, किस लिए हमें जानना है कि जातीय जो है समीकरणों के बारे में? ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं, एक संकीर्ण मानसिकता की बात। आप अभी जो हमारे मित्र कांग्रेस के बंधु कह रहे थे कि हमारे सुखविंदर सुक्खू जी सो एंड सो, आप याद कीजिए जिस दिन वो जीत कर आए उनका आपको ध्यान में होगा, सभी के संज्ञान में है, पूरा हिमाचल उस बयान को भूला नहीं है। उन्होंने पहला बयान दिया कि मैं 97% वाली हिंदू हिंदू मानसिकता को हिंदू हिंदू विचार को हटा कर यहां पे आया हूं। आप जीत गए हैं, अच्छी बात है, पर जनता का आपको जनादेश मिला, तो फिर ये क्या बात हुई? आप हिंदू हिंदू विचार को हरा के आए हैं, हिंदुस्तान में आप रह रहे हैं और हिंदू हिंदू विचार को कोई नहीं मिटा सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी मैं माफी चाहूंगा, हिंदू विचार को मिटाने वाले सनातनी विचार है, इसको मिटाने वाले अच्छे अच्छे मिट गए हैं। और ये जो तुष्टिकरण की नीति, जो फूट डालो शासन करो की जो नीति है, ऐसा लग रहा है ये अंग्रेजों की परिपाटी को अभी तक छोड़ ही नहीं पाए हैं, ये उसी उसी ढर्रे पे अभी तक चले आ रहे हैं कि जातीय जो इनको जो है अपना रिजर्वेशन भी जो देना है वो इन्हें जातीय आधार पे देना है। हम तो लंबे समय से प्रयत्नरत हैं कि जो है आरक्षण जो है वित्तीय आधार पे दिया जाए, ये कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो रही है। समाज का एक विशेष वर्ग जो इनके साथ चल रहा है ये उसको अलग अलग तरीके से नावाजिब तरीकों से ये उसको कुछ बेनिफिट्स पहुंचाने के, कुछ उसे अलग अलग प्रावधान देने के नए नए तरीके जो है अपना रहे हैं, और ये पूरे तरीके से ये अपने मन से मान चुके हैं कि जनता का भाव देख चुके हैं, जनता का मन पढ़ चुके हैं कि जो 24 में जनता का क्या मन है, कि जनता ने स्पष्ट मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है भारत में उन्हें आने वाली है। इस तरह से तरफ से भयभीत है और तरह तरह के ये इस तरह के पाखंड करके जनता का मन भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मेरी बात याद रखिएगा, जिस किसी ने भी चाहे वो बाहर के लुटेरे हो, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे एक समय था जब 150 देशों में अंग्रेजी हुकूमत का सूर्य नहीं डूबा करता था, लेकिन जब उसने सनातन और हिंदू विचार को मिटाने की कोशिश की, वह खुद नहीं रहे आज दुनिया के नक्शे पे, उनका बहुत ही छोटा अस्तित्व रह गया है। तो ये तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इन्होंने इस तरफ अपना कदम पहले ही बढ़ा दिया है, ये अंग्रेजों के उसी उस पे चल रहे हैं। लेकिन जो कोई मैं पुणे और पुणे कहना चाहूंगा कि हिमाचल देवभूमि है, जो ये इस तरह की हमारे इकट्ठेपन को, हमारे राष्ट्रीय सद्भावना को जो तोड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, और हिंदू विचार, ठीक है, बीजेपी इसको तोड़ने वाली बात मान रही है। उज्जवल शर्मा जी जुड़ गए हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उज्जवल जी ठीक है, राजनीतिक बातें तो ठीक है, आप ये बताइए कि हिमाचल में जातीय जनगणना की जरूरत है, नंबर एक। नंबर टू, 50% जो है सवर्ण है हिमाचल में और 25% ST SC आते हैं, OBC आप मान लीजिए कि 30% के आसपास टोटली बैठता है, OBC SC ST 50% सवर्ण है। क्या लगता है आपको जातीय जनगणना की जरूरत है, और उसके बाद क्या पार्टियों को अगर जातीय जनगणना होती है तो फायदा पहुंचेगा लोकसभा चुनाव में, हाँ या ना, बताइए जरा दर्शकों को हिमाचल के। देखिए अनिल जी, जातीय जनगणना का जो मुद्दा बहुत जोरों शोरों से गूंज रहा है, इसका इसकी समय इसकी टाइमिंग लोकसभा चुनाव से पहले एकदम से इसको इस पे सारा कुछ केंद्रित हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये राजनीति का ही एक खेल चल रहा है। अचरज की बात ये है कि दोनों प्रमुख पार्टीज, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों केंद्र की सत्ता में रही है। बीजेपी अभी केंद्र में है, कांग्रेस UPA 10 साल केंद्र में रही है, लेकिन उस समय किसी भी पार्टी ने इस सेंसस को करवाने की हिमाकत नहीं समझी।
अब लोकसभा इलेक्शन से कुछ महीने पहले अगर ये मुद्दा गरमा रहा है तो कहीं ना कहीं से राजनीति से ही देखना चाहिए। देखिए अनिल जी, हिमाचल की आप बात करें, हिमाचल देवभूमि है और यहाँ एक रिलीजन के तौर पे लोग जाने जाते हैं, एक रिलीजन के तौर पे ये पूरा स्टेट जाना जाता है। अभी हम यहाँ देवभूमि है, हर किलोमीटर हर फासले पे मंदिर है और हिंदुओं का, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब कह चुके हैं कि बहुत एक 97% से ऊपर हिंदू हैं, तो हिंदू कहीं ना कहीं हिमाचल को डोमिनेट करते हैं ये। और इलेक्शन में कभी हिमाचल में, हिमाचल के इतिहास को देख रहे, इलेक्शन के इतिहास को, तो कभी कास्ट बेस उतना हिंसक रूप में नहीं आया। देखिए कास्ट असर तो करती है लेकिन कभी हिमाचल में उत्तर प्रदेश या बिहार जैसी परिस्थितियां नहीं बनी। लोग समझदार हैं, लोग सुलझे हैं। अब जब ये कास्ट सेंसिस आ जाएगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी ये कोशिश रहेगी कि इस मुद्दे के सहारे उनका एक वोट बैंक और बढ़े, जो पिछड़ेपन का शिकार पार्टीज हुई हैं, जो पिछड़ेपन का शिकार जो कास्ट हुई हैं, उनको वो मेन स्ट्रीम में लाए, उनके लिए ऊपर उठाने का काम करें, ये उनके फेवर में बात जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा इस पूरे मुद्दे को हिंदुत्व के रूप में बुनाएगी और हिंदुत्व के जरिए हिंदुओं को संगठित करने का काम करेगी, क्योंकि भाजपा का अभी से यह कहना है कि कास्ट सिस्टम सिर्फ हिंदुओं में है और हिंदू समाज को विभाजित करने का इसमें एक पूरी परिकल्पना को आगे किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को ये लगता है कि हिंदू कास्ट को का डिवीजन करके अब जो कांग्रेस है वो एक वोट पॉलिटिक्स में उसका फायदा लेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस का तर्क सीधा सा है कि जो कास्ट पिछड़ेपन का शिकार हुई है उनको वो मेन स्ट्रीम में लाएंगे, उनके लिए विकास योजनाएं लाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि एक तो इसका समय, इस समय इसको लाने की क्या जरूरत थी। दूसरा, 1931 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय कास्ट सेंसस हुआ था। अब हम एक विकसित देश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, थर्ड इकोनॉमी हम उभरने जा रहे हैं। अब इन चीजों को बिल्कुल साइड में रखना चाहिए। देखिए हम एक बार फिर 100 साल पुराने धरे पे जा रहे हैं, अगर हम कास्ट सिस्टम को उजागर करेंगे तो इसका मतलब है कि अभी हम पिछड़े हैं, अभी हमें कुछ लोगों को मेन स्ट्रीम बनाना है। देखिए हम तो विकसित हो ही रहे हैं, ठीक है, चाहे भाजपा भी ये बात मानती है, कांग्रेस के नेता भी ये बात मानते हैं कि भारत एक विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। अब रही बात इसे मुद्दा बनाने की, तो इसे निश्चित तौर पर राजनीतिक मुद्दा तो बनाया गया है, लेकिन ये तो एक तर्क का विषय हो सकता है कि इसको इसे लेके जो है वो कितना फायदा होगा, कितना नफा नुकसान क्या होगा। लेकिन ओवरऑल हिमाचल में जहां तक मैं समझता हूं कि कास्ट सेंसस को उतनी अभी आवश्यकता उस लेवल की नहीं दिखती है। ठीक है, अभी जरूरत नहीं है। सुशांत जी आप बताइए, चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने फैसला किया है, राजस्थान छत्तीसगढ़ में 5 साल बीत गया आपकी सरकार को, पहले क्यों नहीं सुझाइए, लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले क्यों कांग्रेस ने फैसला किया? देखिए आप इस चीज को राजनीति के साथ जोड़ के देख रहे हैं, चुनावों के साथ जोड़ के देख रहे हैं, लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात आ रही है, कांग्रेस पार्टी एक चीज के ऊपर स्ट्रेस कर रही है कि अल्टीमेटली जो फाइनेंशियली वीकर ग्रुप्स है, जो सोशली वीकर ग्रुप्स है, जो कास्ट सिस्टम में जो सबसे ज्यादा प्रभावित ग्रुप है, अल्टीमेटली आपने रिजर्वेशन सिस्टम दिया, लेकिन रिजर्वेशन सिस्टम में क्या हो रहा है, सिर्फ उन्हीं लोगों को बेनिफिट मिल रहा है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं जब तक ये कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं आएगा तब तक आप वीक ऑफ द वीक। अलग अलग स्टेट में ऐसा क्यों आपका, दरअसल बीजेपी आर्थिक सर्वेक्षण के पक्ष में पहले से ही थी, आर्थिक सर्वे, आर्थिक आधार पर आरक्षण देना बीजेपी की प्रायोरिटी है, लेकिन कई राज्यों में कांग्रेस इसका विरोध भी करती है। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बताना चाहूंगा, 2011 में जब सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस किया
गया था, 2011 की बात मैं स्पेसिफिकली कर रहा हूँ, उस समय का जो सेंसस किया गया था उसमें पैरामीटर्स यही रखे गए थे कि किस प्रकार से हम जातीय आधार पे जो ग्रुप्स, जो फाइनेंशियली वीकर ग्रुप्स है उनको एस्टैब्लिश कर सके और उनकी मदद कर सके। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि वो जो सेंसस का जो सेकेंड पार्ट था, जो कास्ट बेस्ड सेंसस था, वो नहीं आ पाया। आज हमें एक मौका मिल रहा है उन चीजों को सुधारने का। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरे भाजपा के जो मित्र है वो इसको राजनीति के साथ क्यों जोड़ के ले रहे हैं। एक चीज देखिए, एक लार्जर इंडिया के बेनिफिट में कहीं ना कहीं हमारे को उन लोगों की मदद करनी पड़ेगी जो इस रिजर्वेशन सिस्टम में या फिर कास्ट सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है, या ओबीसी की बात करनी पड़ेगी। तो ये जो कास्ट बेस्ड सिस्टम है इसको राजनीति के साथ जोड़ना गलत है। जी ठीक है, विक्रम जी आप बताइए बीजेपी को क्यों प्रॉब्लम है इससे? बीजेपी इसकी टाइमिंग पे सवाल उठा रही है और बार बार ये आरोप लगा रही है कि देश को बांटने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस कह रही है कि जो पिछड़े हुए लोग हैं हम उनको आगे लाने की कोशिश में हैं। देखिए, जो हम पहले से ही कह रहे हैं, अगर पिछड़े हुए लोगों को आगे लाना चाह रहे हैं तो आर्थिक सर्वेक्षण कराइए। अगर आप सच में चाहते हैं कि उनका कुछ हित हो, उन्हें कुछ फायदा मिले, तो ये आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए, ना कि जातीय सर्वेक्षण जब कभी भी होगा ये हमेशा और हमेशा हर लिहाज से देश को बांटने का काम करेगा। अभी और अगर मैं पूरे भारतवर्ष की बात ना करूं, हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल में भी ऐसा माहौल नहीं है। देखिए क्या है, जब इस तरह के बड़े कदम उठाए जाते हैं तो हर कदम के साथ उसके फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। यहाँ पे जो हम एक तरफ तो हम जाति को उठाने की बात कर रहे हैं, जब उन पे हम पूरी तरह से जब हम उन्हें स्टैम्प्ड कर देते हैं, अभी बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। कोई इंसान अपने आप को उस चीज का उसको बेनिफिट मिल रहा है, वो उसका फायदा ले रहा है, लेकिन वो उस चीज को सार्वजनिक नहीं करना चाह रहा है। ठीक है, उस हिसाब से जो चीजें चली है उन्हें चले रहने देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जब कभी भी इस तरह के सर्वेक्षण होंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ भटकाने के अलावा और संकीर्ण मानसिकता का परिदृश्य सामने आता है। और भविष्य में जब कभी भी ऐसा होगा, आप देख लीजिए भारत, और अगर हम हिमाचल की बात करें, हिमाचल बहुत मिलनसार और प्रेम पूर्वक रहने वाले लोग हैं। अगर यहाँ की तुलना अगर आप दूसरे प्रदेशों के साथ आप अभी नहीं कर सकते, अगर वहां के अकॉर्डिंगली आप यहाँ की तुलना करने की कोशिश करेंगे तो इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जो इसका परिणाम है, वो भयावह ही होंगे। अगर आप सच में, मैं पुनः और पुनः कहना चाहूंगा, अगर आप सच में इसी समाज के किसी भी वर्ग को फायदा देना चाहते हैं तो ये सर्वेक्षण आर्थिक आधार पर ही कराइए, तभी हम उनको वास्तविक रूप से कुछ फायदा दे पाए। ठीक है उज्ज्वल जी, देखिए ये बात बार बार उठ रही है कि बांटने वाला काम है, लेकिन ठीक है, अगर जातीय जनगणना होती है उसके बाद क्या होगा? अगर जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़ी जातियां हैं, ऐसा तो नहीं कहीं को कल की योजनाएं उन्हीं को लेकर योजनाएं बनेंगी और राजनीतिक पार्टियों के लिए वो एक वोट बैंक बन जाएगा और उसके पीछे ही भाग दौड़ शुरू हो जाएगी पार्टियों की? उज्ज्वल जी देखिए, अनिल जी, मंशा तो वोट बैंक ही है, प्रत्यक्ष तौर पे अगर कोई इस चीज को माने या ना माने। देखिए अभी तक कांग्रेस की सरकारें रही हैं, लेकिन कभी भी इस ओर किसी भी कांग्रेस की सरकार ने नहीं सोचा, चाहे हम नेहरू जी की बात करें, चाहे इंदिरा गांधी जी की बात करें। यूपी शासन में भी 10 साल तक मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर रहे, तो कभी भी इस तरह की बातें नहीं हुई। जाहिर सी बात है, देखिए इसमें एक बात और गौर करने की है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लग रहा है कि राम मंदिर का मुद्दा हो, अयोध्या का मुद्दा हो, धारा 370 का मुद्दा हो, इन मुद्दों से हिंदू पॉपुलेशन पोलराइज हुई है। अब जब हिंदू पॉपुलेशन पोलराइज हुई है, इसे कांग्रेस कहीं ना कहीं इसका एक विकल्प तैयार कर रही है कि हम उसको कैसे वोट बैंक्स में अपने लिए उसमें जगह तलाशें। तो क्योंकि लोकसभा के चुनाव से कुछ महीने पहले जब एकाएक ये मुद्दा आएगा तो जाहिर सी बात है कि बात राजनीति पे ही होगी, है ना। और दूसरा,
जब आप एक कास्ट सिस्टम से उनके उन या तो आप सीधा सा बात करिए कि सेंसस के इकोनॉमिक सेंसस हम करवाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ बात कास्ट सेंसस की हो रही है। अब उसमें जब आप एक कास्ट सिस्टम को डिवाइड कर देंगे, एक कास्ट सिस्टम लाके कास्ट को डिवाइड कर देंगे, तो कहीं ना कहीं आपका एक जो सोसाइटी है वो बढ़ेगी, ठीक है, और उससे जो एक आपस में फ्रिक्शन क्रिएट होंगे तो जाहिर सी बात है उस पर फिर आगे किसी पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा होगा और किसी को नुकसान होगा। तो कुल मिला के जो मेरा यह मानना है कि ये एक राजनीति का ही खेल है। जी ठीक है, राजनीतिक सिगुफा। अच्छा एक एक चीज और बता दीजिए हिमाचल के दर्शकों को उज्जवल जी, कि अगर जातीय जनगणना होती है कांग्रेस के राज में और उसका फायदा जो है वो पिछड़ी जातियां हैं उनको मिलता है, तो लोकसभा चुनाव में कितना आपको लगता है कितना फायदा कांग्रेस को होने वाला है, थोड़ा सा बता दीजिए आप। चार सीटें हैं लोकसभा की, कुछ फर्क पड़ने वाला है? जी अनिल जी, 25-30% जो यहाँ पे एससी कम्युनिटीज हैं, हाँ, निश्चित तौर पे वो उनके लिए ये पॉजिटिव चीज है और उसका कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। क्योंकि हिमाचल में देखिए, हिमाचल में बोलवाला तो स्वर्णों का रहा है, पॉलिटिक्स में भी देखे हैं। अब यहाँ ना तो बिहार की तरह और अदर स्टेट्स की तरह कोई भी दलित नेता नहीं उभर पाया है। अब एकदम से जब कास्ट सेंसस आएगी और इसके बाद कास्ट सेंसस के आधार पे कोई इन कास्ट को शेड्यूल कास्ट को या अदर कास्ट को प्रतिनिधित्व मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, लोकसभा में मिलेगा। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि भाजपा उसे हिंदुत्व के साथ जोड़ के जो है वो अपना वोट बैंक स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेगी। बिल्कुल ठीक है सुशांत जी, मैं आपसे छोटा सा 10 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा, कहीं ऐसा ना हो बाद में कि जो पिछड़ी जातियां हैं वो एक वोट बैंक तक ही सीमित हो जाए, ऐसा तो नहीं है ना? देखिए सर, मैंने आपसे डिबेट आरंभ होने पर एक ही बात कही थी कि जो जिसका जायज हक है वो उसे मिलना चाहिए, और कांग्रेस इसी पद्धति में काम कर रही है, इसी बात पे विश्वास करते हुए जो ये सेंसस है वो मांग रही है। और अब अगर इसको भाजपा किसी तरीके से राजनीति के साथ जोड़ के देखना चाहता है या नहीं, भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसा तो नहीं है कि वोट बैंक तक सीमित रह जाएगा ये, हाँ या ना? देखिए ये वोट बैंक की बात नहीं है। माननीय राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की तो पूरे देश भर में उन्हें ये जातिगत जो जनगणना है उस पर स्ट्रेस करने के लिए लोगों ने रिक्वेस्ट, ठीक है, जाकर ये, ठीक है सुशांत जी, ठीक है विक्रम जी, ठीक है उज्जवल, आप हमारे साथ जुड़े, वक्त की कमी है, लेकिन जातीय जनगणना का मुद्दा जो है वो राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। बिहार से जातीय जनगणना शुरू हुई थी और उसका सर्वे आया था, अब हिमाचल में भी ये सर्वे होगा, जिसके बाद सियासत गर्म हो गई है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।